अज सानू अपने प्रेम दियां दातां, अपने इश्क दियां दातां, अपने मिलाप दियां दातां, अपने दर्शना भरोसियां नाम दियां दातां दे नाल चोली नवाज के तुरी आओ सचगुरु सतगुरु तो सच्ची दात मंगिए, कुक करिए इवें ही कुक करना, जिस प्याले तो जन्मा तो विछड़े हैं उस विछोड़े नू याद करके, जो वो विछोड़े च दुख चले ने उन्हां दुखां नू रख के, उस प्यारे दे मिलाप लई आओ तड़फ दी कुक करिए, हे पिता रहमत करिए रहमत। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे नानक गुरु प्यारे नानक गुरु प्यारे गोविंद गुरु प्यारे शब्द गुरु पालन हारे गुरु सिरजन हारे गुरु बख्शन हारे गुरु बख्शो वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु गल नल लालो गुरु अपना बना लो गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेव नमः नमः वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाह गुरु तेरा सबसे
सदका तेरा सब सदका तेरा सब सदका वाहा गुरु तेरा सब सदका सेवक के परपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका चमरासी लख जो नहीं पाई रिजक दिया सब हमको तदका रिजक दिया सब हमको तदका वाहगुरु तेरा सब सदका वाहगुरु तेरा सब सदका। गुरु गरीब निवाज चवर शतर तख्त दे मालक सब कट विराजमान सबना जी दे पालनहार सबना नू बख्शनहार सदा दयाला जी आप निरंकार आप वाहिगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब तो पहले आप जी नू नमस्कार आप जी तो बलहारे आप जी दे सोने चरण कमला पास आजुड़ी गुरु रूप साध संगत जी आओ प्यारे साहिब पिता दे चरणा ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश अते दी सांझ करिए गज के बुलावना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे जी ने जिथे एक तो अनेक होण दा रंग प्रगट कीता है उथे वापस फिर अनेकता तो एक होण लई ए महारंग दा स्वरूप तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच गुरु रूप भी बनाया। प्यारे नानक जी नूं जिन्ना जिन्ना गुरमुखां ने माणिया है देखिया है ओ जानदे ने कि शरीर तो बाहर बहुत कुछ है शरीर दी सीमा च नहीं ने गुरु नानक किसी शब्दां दी सीमा च नहीं ने गुरु नानक किसी समय दी सीमा च भी नहीं ने इस करके आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो सिर्फ 500 साल तो नहीं आद तो गुरु है जो आद गुरे नमे है ना कि हे आद तो जदो कुछ भी नहीं सी जदो हे परमात्मा स्वरूप सी तू निराकार दा रंग सी उदो भी तेरा गुरु स्वरूप सी तेरे उस स्वरूप नू नमस्कार है किन्नी बना पढ़ लेने असी आद गुरे नमे कदी तड़फे नहीं ना कि महाराज जी मैं ते तेरे उस स्वरूप नू कदी नमस्कार ही नहीं कीती कि कदी उस स्वरूप नू नमस्कार करन दा दिल नहीं कीता कि सतगुरु नू उस प्यारे साहिब नू ध्यान ना सुनिया ने जुगाद गुरे नमहे कि हे जुगां दे आरंभ दे विच जदों ए सूरज धरतियां चंद शुरू होए सी जदों जुगां दा आरंभ होया सी समय दा आरंभ होया सी जदों अजे सिरजिया कुछ नहीं सिरजना आरंभ होई सी जदों उदो भी गुरु पिता तुसी तेनू नमस्कार है तेरे उस स्वरूप नू भी नमस्कार असी अटक गए हां बड़ी उरे जे घर किन्ने लै ले बिजनेस किन्ना कर लिया चार जाने जानदे के नहीं जानदे भावे के रोज पढ़ते हां जे जुग चारे आ जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब
चंगा नाम रखाए के जस कीर्त जग ले, जे तिस नजर ना आवे ता बात ना पूछे। पर उस इस तो पार, इस संसार तो पार उस प्यारे दे इन्ने क स्वरूप ने जिन्ना नू अजे मिलना है, जिन्ना च अभेद होना है, जिन्ना नू जानना है, जिस दे नाल टलना है। पर हैरानी दी बात है कि उस गुरु स्वरूप दे उन्ना महिमा दे रंगा नू असी सतगुरु तो पुछदे भी नहीं कि सतगुरु बेटा तेरा ए स्वरूप कितना दा, मैं इस नू भी नमस्कार करनी, मैं दिखना है इस नू, मैं मानना है इस नू, मैं पहुंचना है इत्थे। तुसी उस आद जुगादी तक ना पहुंचे ते इस तन ने ते जेड़ा है वो शमशान तक पहुंच जाना, ये ते यात्रा च है। ये तन शमशान तक पहुंचे, ये तन मौत तक पहुंचे, उस तो पहले पहले उस आद जुगादी तक पहुंचना है, ये हो खेले। इस खेड़ तक पहुंचने दे लई एक रंगे गुरु पिता दा जिन्हों मानना हुंदा, गुरु पिता दे अनुसार जीवना हुंदा। हुणे गुरमुख प्यारिया ने एक शब्द पढ़िया सी कि ओ जो साहिब हमारा ठाकुर है ना, वो जो मेरा ठाकुर है, वो सब ते ऊंचा है, सब तो ऊंचा है। ते रैण दिनस किस गाऊं रे, रात दिन उन्नू गाउंदा रवां। उन्हें बोलन नूं ते बड़े सौखे जे शब्द ने ते सिद्धे जे ने, पर हिरदे दी इस अवस्था नूं जिन्हां ने माणिया है उन्हां नूं पता है ये महा आनंद है, इहदे महा विस्मार है। रहण दिनस जिस दिन गाउणा हो जावे उस ऊंचे ठाकुर नूं, रात दिन जदों हिरदा गाउंदा रवे, वह अवस्था है महा आनंद दी। वह सिर्फ गाउण नूं थोड़ी है, वह ते मानन नूं है। होएगा किदां साडी दिक्कत है कि गुरु पिता दे हुक्मां नूं असी सतगुरु तो पुछदे नहीं कि सतगुरु पिता आप जी ने देखो इत्थों किते डाउन टाउन जाना होवे ना ते तुसी किसे ना किसे तो रस्ता पुछदे हो। नौकरी करनी होवे भावें $20 ही घंटे दे ओ देण, पर रस्ता पुछदे हो किदां करनी है, कम सिखदे अपने प्यारे को पहुंचना है ते प्यारे नूं पुछदे भी नहीं कि प्यारे जी ये रंग ते मैनूं समझा देना। एक आप जी नूं बेनती कर दिंदे, ये ना होवे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा पुरब ते मना लिया, पर कदी सोचिया है कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इहो जिहा की होया होएगा कि कलगीधर महाराज ने सिर्फ एक बार किया है ते सिंह सज गए ते महाराज जी दे हो गए। मैं किथे इहो जी कमी कर रहा है, की खोट है कि मैं रोज गुरु घर आना है, हर हफ्ते आना है, रोज सतगुरु मैनू कुछ ना कुछ कहते ने, मेरे ते असर ही नहीं हो रहा, जानना पड़ेगा। कई बार ये संगत नूं बेनती करते, असी इतिहासक यात्रा के दौरान सोचिया कि जदों आनंदपुर साहब तो महाराज जी दमदमा साहब नूं हजूर साहब नूं गए ना, उहो ही गुरु का मार्ग जिहड़ा है ना उसे ते चलना है। इतिहासक मार्ग ते यात्रा करते करते नाल इतिहास की जिहड़ी है दर्शन करने, आनंदपुर साहब बह के साडा सुभाव है कि बह के देखना होया की है, सुरतना जानना होया की है, नमस्कार करके गुरु महाराज जी नूं एक पासे होके बह जाना, फिर रीझना मानना है कि मेरे प्यारे इधरों दी गुजरे होणगे, खौरे ये हवा मेरे प्यारे नूं गुजर के निकली होवे, खौरे इत्थे कोई किणका होवे मिट्टी दा जिहड़े मेरे प्यारे दे चरणां नूं छूया होवे, इत्थे साहिबजादे खेडदे होणगे। एक एक रंग नूं मानना है, माता साहिब देवां जी नूं मानना, कलगीधर महाराज जी नूं मानना, पंज प्यारिआं नूं मानना। कई दिन मानदे रहे, मानदे मानदे एक आश्चर्य तमाशा सुरत ने देखिआ है कि उत्थे जिथे सारे जाने महाराज जी दे रंग करदे सी ना, उत्थे गंगू भी सवेरे शाम सेवा करदा सी, नमस्कार करदा सी। एकदम ओ सुरत च जदों बात आई ते देखण लग पए कि नमस्कारां रोज करदा है, परकर्मा भी रोज करदा है, महाराज जी दे मिठड़े बोल भी रोज सुनदा है,
पर इहो जिहा की है कि गंगू दा लोग नहीं जांदा ते एडा वड्डा कलंक लवा के इस धरती तो जांदा है। जदों असीं अपने अंदर झात मारी ते सानू अपना आप गंगू वर्गा लगा कि मना तेरा भी ते इहो हाल है, तू भी ते मत्था टेकदा है, परकर्मा करदा है, बाणी गाउणा है, बाणी पढ़दा है, पर तेरे लोभ लालच भी ते वध ही रहे ने, घटते नहीं रहे। तू ते गंगू दी यात्रा ते, पंज प्यारे साहिबाना दी यात्रा ते नहीं, साहिबजादियां दी यात्रा ते नहीं। सानू याद है आनंदपुर साहिब बैठिया साडियां भुब्बां निकल गईयां सी, डर गए सी कि महाराज इदां नहीं जीवना, देख किदां दा तमाशा है मेरे नाल हो रहा माया दा, कि मैं लोकां नू दसदा है कि मैं सिख हां, मैं कलगीधर महाराज जी दा सिंह हां, लोगों को बड़े माण ना दसदा है कि गुरु ग्रंथ साहब जी मेरे सिख ने, पर मेरी यात्रा गंगू वाली है। असी अपनी बात बता रहे हैं, अपना तुसी खुद विचारी जाना। असी कहांगे ते थोड़ा औखा होना हाडे वास्ते कहना, जे आप जी दे चेहरियां नू, मस्तक नू, अखियां नू देख के कहन लगे औखा हो जाना कहना। आप जी विचार लेना किवें जीना है, इदां ते सारी उम्र भावे जिहड़ा है गुरु घर आई चलो, मत्था टेकी चलो, ये लोभ लालच जे इहनू कमाए ना ते गंगू बन के जावांगे, माफ कर देना कि गंगू बन के जीवना है, कि बाहरों सिख ते अंदरों गंगू बन के ही जीवना है, जां वाकई ही गुरु पिता दे रंग नू मानना है। ते जे मानना है ते फिर जो पंज प्यारे साहिबान करदे सी, भाई दया सिंह करदे सी, भाई मोहकम सिंह करदे सी, कि सतगुरु दे हुकम सिर्फ ये नहीं कि कीर्तन रूपी सुन ले, बाणी रूपी सुन ले, कथा रूपी सुन ले गुरु की महिमा, ते बाद च जाके जेड़ा है क्या बड़ा आनंद आया ते फिर प्रशादा पानी छकिया ते घरां नूं कमाउंदे सी, रहिंदे सी, उत्थे मन्नदे सी कि सतगुरु पिता की महिमा किन्नी उच्ची होएगी। एक अश्चर जाप जी नूं रंग दस दे, बड़ा सोहना है। संसारी खेड दे विच जिवें प्यारियां जी ने शब्द पढ़िया ना कि रहण दे दिन सतिस गाहू दे, इस अवस्था नूं जिन्ना गुरसिख साधुआं ने माणिया है ना, बहुत महारंग है। दिन रात गाउणा है, दिन रात गा के ते गाया नहीं जाएगा, गाउणा हो जाए ते बात बन जाए। पर इदां दा की होवे कि मैं दिन रात इस अवस्था नूं प्राप्त होवां गा सका, इहो जी केड़ी गलती है जिहड़ी मैं हुण कर रहा है कि मेरे को यह गाउणा हो नहीं पिया। इस आनंद की अवस्था नूं, इस प्रेम की अवस्था नूं, इस इश्क की अवस्था नूं कि सुरत मेरी प्यारे दियां परकर्मा च रहे, सुरत नूं माया जिहड़ी है खंडावे ना, सुरत सदा आनंद च रवे, अजिहा की है कि जिहड़ा नहीं हो रहा। सच जाणियो सुरत दा एक सुभा है बहुत प्यारी है, ये किसी ना किसी दियां परकर्मा करेगी। माया दियां परकर्मा तुसीं अज करदे हो ते सारा दिन सोचदे रहिंदे, वेले बैठे हो ते लाटरियां सोचदे रहिंदे, इन्ने दी लॉटरी, इन्ने दा घर, इन्ने दा, अपने आप हो रहा है ना। गड्डी चलाउंदे हो थोड़ा जिहा समां इहनूं ब्रेन नूं वेले नूं मिलदा है, सुरत नूं ही सोचण लग जांदा, इदां हो जाए, इदां कर लां, इदां उहनूं कहां, इदां मेरी इज्जत होवे। सुरत कुछ करते रही है, शक्ति आप जी दे कोल है, बस उस दे विच कर्म दा बदला करना है। सुरत है आप जी को, शक्ति है आप जी को, वो रंग है आप जी को, पर जिथे उस दे विच संसार दा चिंतन है, हंकार दा चिंतन है, वासनावां दा चिंतन है, उत्थे महाराज जी दी महिमा लेके आउणी। असीं वी पहलां इदां ही सी, सारा दिन इन्ने सोचदे रहना, फजूल कहानियां बणाउंदे रहना, कदी कुछ कदी कुछ कदी कुछ, इह कदी कौम दा जथेदार बण जांदा, इह वेला जिहड़ा है कदी कुछ करन लग जांदा, कदी कुछ करन लग जांदा। प्यारे नूं कित्थे गाउंदा है, क्योंकि इह आप उच्चा होणा चाहुंदा है, ਇਹ ਉੱਚੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ
जिन्हों तुसी एक दिन छड़ के चले जाना है। पिछे जिंदी बात है, गुरसिख प्यारे कोई कोल बैठे सी, संगत इधरों ईस्ट वालों भी काफी गई सी, कोई समागम सी किसे जथेबंदी दा, तसी पूछन लग पे कि कैलिफोर्निया च किन्ने क समागम होंगे। अनु कहन लगे खालसा जी तीन चार होंगे, ते एक फलानी जथेबंदी कराउंदी, एक आ कराउंदी, एक आ कराउंदी। ते असी एकदम हैरान होए, ते पूछन लग पे कि जथेबंदी ते कोई है, वह भी अगे तीन चार धड़िया च बाटी है। ते कहन लगे हाँ जी खालसा जी, ते कह संगत फिर एक दूजे को आ जाती, एक दूजे के समागम से, कहते थोड़ी बहुत ही आती है, बाकी नहीं आती, बाकी आपको अपने जड़ा धड़ा बनिया उत्थे जाती। ते असी हैरान होए सी कि ये असी कर की रहे हैं, कि मेरा गुरु इको नहीं है, इस महाराज जी के हुक्म च चल के असी एक नाल जुड़ना सी, सब एक हो जाना सी, विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, इस प्यारे दे साधुआं को, इस प्यारे दे गुरसिखां दी, इस प्यारे दी महिमा जान जान के एक हो जाना सी, सब एक। असी इसे प्यारे दे खेड दे विच, इसे प्यारे दे धर्म दे नां ते वंडियां वी पा लईआं। ते असी गुरसिखां नूं समझा रहे सी कि कदी किसे जथेबंदी वास्ते, किसे शरीर वास्ते कदी गुरु घर को ना जाओ। गुरु को जाईदा है, सतगुरु तो पुछो किवें जाना है गुरमुखां को। सतगुरु कहते संत को जांदे हो ना, ते जाके इस करके नहीं जाना के संत है, इस करके जाना है कि उन्हें पुछना है मेरा ठाकुर कैसा, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, ठाकुर नु मिलने वास्ते जाना है, किसे शरीर करके नहीं, सिर्फ गुरु करके। गुरु का रोने हो गुरु करके, वैसे ते हर कर्म गुरु करके करना होगा। मां ना व्यवहार, पत्नी ना व्यवहार, बच्चियां ना व्यवहार, पति ना व्यवहार, पिता ना व्यवहार, ये सारे व्यवहार जेड़े ने एक गुरु करके करने होंगे, भी मेरे गुरु नु चंगे लगन। बस तुसी ये अभ्यास करियो, ये बड़ा सोहना अभ्यास है, जिन्नी मैंदा लाल रिजाया। जिवें गुरमुख प्यारे बोलते बोलते शब्दां च कई बार थोड़ी इधर उधर हो जाते, ते कह देंदे कि आ शरीर का नाम लैके कह देंगे कि इन्होंने ये अभ्यास ने नहीं पाई साढ़े, नहीं नहीं आप जी दे प्यारे दे ने, प्यारे को बैठे सी, प्यारे ने बख्शे सी, कमाए सी, कमा के रंग माणिया सी, फिर सतगुरु ने सेवा ते लाया सी कि जा मेरे प्यारियां नू, मेरे बच्चियां नू ये दस गया, असी सिर्फ दसन आए। कई बार कुछ जी कह देंगे जेडे गुरसिख साढ़े नाल प्यार कर देंगे, कह देंगे खालसा जी ताडे सिंह, ते असी हाथ जोड़ के कहांगे नहीं साडे नहीं ने, कलगीधर महाराज जी दे ने। मेरी गरीब दी ते इन्नी की ड्यूटी है कि महाराज ने कहा है कि ओ मेरे पुत जिहड़े ने ना ओह चौंक चौंक खब्बे नूं मुड़ रहे, इन्हां नूं कह सज्जे नूं रस्ता, खब्बे नूं ना जाण, असी इन्ना ही सुनेहा देना है कि जे प्यारे तक पहुंचना है ते इहनूं नहीं जाणा, इहनूं जाणा है, बस इन्ना ही साडी सेवा है। आप जी दे प्यारे दे अभ्यास, ते बाकी जे शरीर दी बात करिए, मनुख दा एक सुभा है, वो आ शरीर दी झूठी इमेज नूं बनाउंदा है, मैं चंगा, मैं वधिया, मैनू चंगा कहण, मैनू सुख मिले, मेरी गल मन्नण, इह ते संसार दे विच फसण दा रस्ता है, ते नरकां नूं जाण दा रस्ता है। इत्थे अपना आप सिरजन नहीं आए, इत्थे ते प्यारे दे इश्क दे विच फना होण आए हैं, प्यारे दे नाल जीण आए, प्यारे दे वास्ते जीना है, प्यारे तो बलहारे जाना है। महाराज जी दे ए रंग जेड़े ने ना, तो ना गुरसिखां नूं समझा रहे सी कि साडे को भी साडे करके मत आया करो, जे साडे आ शरीर दे मगर पाओगे ना, ते इस खसम तो ते असी बड़ी मेहनत ना खेड़ा छड़ाया है, तुसी इस दे मगर लग के की करोगे। प्यारे जी दा अभ्यास करना है। महाराज जी ने एक अभ्यास कराया सी, जिन्नी मैंडा लाल रिजाया। असी पुछन लग पे, एक ते सतगुरु ना बात करया करो, सतगुरु ना पुछया करो, सतगुरु प्यारे जी नू माणिया करो, एक एक जेड़ी सतगुरु जी दा हुक्म है ना, एक एक शब्द, एक एक लगा मात्र, उस दे विच बेअंत सुखा दे, आनंद दे महासागर ने, महासागर ने,
आप जी दे जीवन दे विच महा रंग ने कुछ प्यारियां नू सारियां नू बेनती है माया देन दी लोड़ नहीं लै लांगे जदों सानू लोड़ होए आप जी टिक के बह के बस सुन लो कमा लो ये भेटा की करांगे असीं किसे कम दी नहीं साडे जिस दिन कम दी होएगी किसे लोड़ चाहेगी सेवा च होएगी आपे बेनती कर लांगे सिर्फ बह के टिक जाओ सुन लियो प्यारे दे इश्क च जायो जदों प्यारे दे रंग च पहुंचोगे ते उत्थे महाराज जी दे रंग मानोगे ना अंदरों दुख मुक्कणगे सुकून आएगा आनंद मानोगे समझ लेना सानू साडी भेटा मिल गई उस दिन जिस दिन मां ना सोना व्यवहार करोगे असी समझ लवांगे सानू भेटा मिल गई सोनी जिस दिन पिता ना व्यवहार इहो जिहा करोगे जिहड़ा कलगीधर महाराज नूं भावे ते कलगीधर महाराज आप जी दे वल प्रेम दीआं निगाहां नाल वेखणगे ना समझ लेना उस दिन साडी भेटा मिल गई सानू जे इस भेटा तो कोई महंगी भेटा है तो फिर दे दियो नहीं तो की करांगे खुद सोचो ना जिनी मेंढा लाल रिजाया असी कमाउन लग पे कि हर कर्म नु पुछन लग पे पहला गुरु पिता नु कि गुरु पिता ये आप जी नु रजाउणा किदां होएगा कुछ रंग सतगुरु जी ने समझाए सी जिवें आप जी सारे पढ़ते हो ना रहना साहब रोज नूं असीं सारे पढ़ लैने असीं पढ़ लैने हर कीरत हमरी रहना ते असीं शब्द पढ़ के बाणी पढ़ के फिर असीं कहने नितनेम हो गया बाणी सिर्फ पढ़नी नहीं हुंदी नितनेम सिर्फ पढ़ना नहीं हुंदा नितनेम होना हुंदा है रहना सकीए राह दी पूंजी पहुंचण दी पूंजी जो महाराज जी दे मलाप वास्ते रास चाहिदी है पूंजी चाहिदी है ओ की है ओ सतगुरु कहंदे ने आ पैसे नहीं ने ओ हरि दी कीर्ति है हरि दी कीर्ति जिहड़ी ओ रह रास है तुसी जो महाराज लई करोगे ओ सब रह रास है हो जांदा तुसी पिता दे नाल ए व्यवहार कीता पिता नाल व्यवहार करके अपने प्यारे नूं रजाया अपने लाल नूं अपने साहिब नूं रजाया अपने गुरु नूं रजाया है इहो जिहा कर्म करके जो पिता ना कीता है मां ना कीता है पत्नी ना कीता है पति ना बच्चियां ना समाज ना महाराज जी दी सारी किसे भी रचना दे नाल ते हरि दी कीर्ति हो जांदी हरि दी कीर्ति हो जाएगी ते रहदा साहिब हो जाएगी मिलन दा जिहड़ी पूंजी है मिलन दी जिहड़ी रास है उह इकट्ठी हो जाएगी ते असीं इह कमाउण लग पए जदों भी सतगुरु को बैठो कीर्तन रूपी कोई महाराज जी दे महारंग सुनो ते मत सोचना ये सिर्फ शब्द ने ये आप जी वास्ते महा आनंद ते बहुत आश्चर्य जेड़े आप जी वास्ते बख्शिशा ने प्यारे दे नाल जीवन दे महारंग ने प्यारे जी दे दर्शन ने बहुत कुछ है सतगुरु दे इस बाणी स्वरूप दे विच एक एक शब्द नू एक एक पंक्ति नू मानना है वैल्यू दिया करो थोड़ी कदर करिया करो सुरत दे विच हिरदे दे विच जगह च दिया करो चलो आप जी नू एक सवाल पूछते आप जी गुरु घर आए किसे ने आप जी नू माड़ा शब्द बोल दिता अज तो 6 महीने पहला बोलिया होएगा ते अजे तक आप जी नू याद होना किन्ने साल ओ नरक नू ढोया है किन्ने साल कलपे हैं किन्ने साल खिजे हैं किन्ने साल निंदा कीती है ते ढोई जा रहे हैं इत्थे इकट्ठा करी जा रहे हैं कूड़ा ओ जो नरक इत्थे इकट्ठा कर रहे हैं ओ आप जी नूं महाराज जी दे नंद च लैके जाएगा कदी नहीं लैके जाएगा चलो आप जी गुरु घर आए आप जी दा कईयां दा जी सवाल हुंदा खालसा जी बच्चे गुरु घर नहीं आउंदे बच्चियां नूं प्रेर के लियाउणा पैंदा हुण वड्डे हो गए हुण नहीं आउंदे असीं आप जी नूं इक बात पुछदे आप जी गुरु घर आए किसे ने माड़ा शब्द कहा ते कई दिन याद रखिया घर जाके बच्चियां नूं दस्सिया उत्थे अज आ होया सी उत्थे कमेटी वाले लड़ पे सी उत्थे भाई साहब उन्हां दी टाइम तों लड़ पे सी उत्थे अज आ होया इह जाके बच्चियां नूं दस्सिया तुसीं गुरु पिता को आए दीन दुनी दे मालिक ने आप जी नूं प्यारे कह के आवाज मारी साधु कह के आवाज मारी तखत ते बह के संत कह के आवाज मारी
आप जी नू प्यार ना क्या है फिर कर बैसो हर जन प्यारे हे हरि दे जन हे रब दे बंदे हे प्यारे फिर कर प्यार कर ते तुसी पुछिया कभी गुरु पिता नू महाराज फिर कर केड़ा है तुसी कह रहे हो फिर कर बैठिया कर मैनू दसो ना फिर कर है की इदा नहीं लगता कि जिवें गुरु पिता ना बात करनी बंद कर दिती हो सिर्फ असी देखो देखी कर्म कांड जिहा करी जाने इसे करके जीवन च बदला नहीं आउंदा महानंद नहीं कटदे फिर चाह नहीं चढ़िया जो सतगुरु ने प्यारे बुलाया चाह ना घर जाके मां ने दसिया होवे धी नूं पुत नूं पिता ने दसिया होवे कि पुत वेख मैं ते मैल दा भरिया पापा दा भरिया इन्ना क जीए अज दीन दुनी दे मालक ने सब जगत दे रचनहार ने मिन्नू प्यारे कह के आवाज मारी तुहाडी धी पुत नूं लगता मेरा पिता अज कुछ लैके आया गुरु घर तों मेरी मां किसे रंग ना भर के आई है मेरी मां जो गई सी गई बेचारी चिंता सी पर रंग ना भर के आई उत्थे है कुछ जो चिंता खो लेंदा सारी ते तुहानू ये कहना नहीं सी पैना कि बच्चे वो गुरु घर जाया कर उन्हें आप ही आया करना सी पर जे घर जाके लड़ाइया दसांगे इत्थे तुसी ये कुछ नहीं करना आउंदे पाए इत्थे गुरु नू मिलना नहीं इत्थे एक दूजे नाल साझा नहीं ये कईआं इन्हां देशां च असीं वेख्या है वीकेंड ते बस एक सोशल गैदरिंग है बस होर कुछ नहीं इत्थे तुही सोशल नहीं होना दे इत्थे गुरु नू मिलना दे जिस दिन गुरु पिता तो ये रंग कमाने शुरू करोगे ना तुसी हैरान होवोगे सतगुरु दे जड़े अभ्यास ने रंग ने वो तुसी कमाने शुरू कर दे सतगुरु तो पुछन लगे ते सतगुरु ने दसिया हरि दी कीर्ति जड़ी है वो रह बस है नितनेम तेवे सवेरे पढ़ लेना शाम पढ़ लेना फिर सारा दिन उन्नू कमाना है कि किसे तरह हो जाएगी ये पढ़ लेना के नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी हर बिने अवर ना देखियो कोई देखो आप जी सबना नु जा दे कंठे ते वाली ये पढ़ लेना एक बात है पर ये हो जाना एक बात है इत्थे पहुंच गए ये अवस्था बन गई अभ्यास कर करके ध्यान कर करके ये साइकोलॉजी ये मत बन गए कि हुण इनू दिखता ही साहिब दे हुण ये चित्र देखता है बस इको साहिब दिखाई देता है उस दिन नितनेम हो जाएगा उस दिन आप जी का एक एक कर्म नितनेम है आप जी की एक एक खेड नितनेम है उस दिन नितनेम करने की जरूरत नहीं है पर गुरसिख साधु प्यार ना गुरु महाराज जी का हुक्म समझ के रीझना गाते ने उस दिन सतगुरु पिता तो यह जो खेड कर लगे सतगुरु कहते हरी की कीर्ति करनी अपना हर कर्म जेड़ा है वो इदा करना है जिदे नाल प्रभु नू रजाउणा है असी किन्नू रजा रहे हैं जां ते असी आलस करके अपने आप नू रजा रहे हैं ते जां असी लोकां नू रजा रहे हैं दो ही जाणियां नू असी रजा रहे हैं जां अपने आप नू जां लोकां नू दस्तार सजाउणे हैं ना आ दस्तार सजाई दी है ना ते आप जी दे बच्चियां दी शिकायत आउंदी होएगी कई वार एक गुरसिख संगत नाल बेनती करदे कि आप जी दे बच्चे कह दिंदे कि असी कॉलेज जाने उत्थे मजाक डाउंदे साडा असी दस्तार नहीं सजाउणी हुण कदी सोचिया है आप जी दे बच्चे नूं ओह मजाक इन्ने बौदल क्यों करदे ने बड़ा क्योंकि असी उहनां नूं सिखाया है कि सोहणा लगदा है दस्तार सजा के सोहणा लगदा है बच्चे ने दस्तार नूं मानना नहीं कीता सिर्फ सोहना लगता है इस करके सजाइए दस्तार सजाउना बंदगी नहीं होया दस्तार सजाउना हरि दी कीर्ति नहीं होया आप जी का हर कर्म जेड़ा है जां बंदगी होएगा जां एक संसारी कर्म होएगा जेड़ा तुहानू भोगना पएगा जी का लेखा बनता है दस्तार जो सजाइए तो यह वेखिया है शीशे च के लोगों नूं चंगी लगे अज कॉलेज गया है उत्थे लोकां नूं चंगी नहीं लगी ते पीड़ा होएगी ये समझ लेना दुखी होएगा क्योंकि लोकां नूं ते विखाउण लई सजाई है जे किते कलगीधर महाराज जी की बख्शी समझ के सजाई होंदी असीं कई वार गुरसिखां नूं बेनती करदे असीं सजाउंदे हां
असी हमेशा दस्तार सजाउण तो पहला इनू मथे ना लाउणा हुंदा। सानू लगदा है बख्शीश है मेरे महाराज जी, पहले पहल ते रोंदे हुंदे सी कि सतगुरु पिता आज इत्ते दस्तार सजा रहे हैं ना, मत बहुत मैड़ी है, इहदे च कोड़े वड़ा, ते तू फिर भी एक कोड़ी नू दस्तार दे दित्ती, तेरे जिद्दी वड्याई किसे दी नहीं हो सकती। जिवें सतगुरु कहिंदे ने ना, हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, होर कोई रख के ते दिखावे जिद्दां मेरे गुरु ने मैनू रखिया है, मेरे जहे अपराधी नू रखिया है, मेरे जहे किरत कण नू रखिया। रो पैना महाराजे मत बहुत मैड़ी, बहुत बुरा सोचना है मैं, इसते भी दस्तार सजाना, तू दया करी ये दस्तार नू रहमत बनाई, बख्शिश बनाई, मेरी मैड़ी मत हर लई। ते मानदे सी रीजना, ज्यों ज्यों दस्तार दा लड़ जेड़ा अगला आउंदा सी, मानदे सी महाराज जी दी बख्शिश नू, मानदे सी। ते हुण भावे सारी दुनिया कवे हानू कि तू सोहना नहीं लगदा, सानू कोई फर्क पएगा? असी बच्चियां नू इह जोर दे के कह दिंदे तू रहदा साहब नहीं कीती, पर रहदा साहब करनी सिखाई नहीं, पढ़नी सिखाई है बस। रोज शामां नू एक दूजे दे दवाड़े हो जांदे, तू नहीं कीती, तू नहीं कीती। जिस दिन रहदा साहब होना शुरू करोगे, जीवन च महानंद कटना शुरू होएगा। दस्तार सजाउणी रहदा साहब हो सकदी, आप जी का देखना रहदा साहब हो सकता, आप जी का इत्थे बहना रहदा साहब हो सकता, आप जी का जेड़ा ये मान आंदो बोल बोलने रहदा साहब हो सकता। सतगुरु पिता कहिंदे ने जिन्नी मैंडा लाल रिजाया, उस मैंडे लाल नू रजाउणा है, होर किसे नू नहीं, ना अपने आप नू रजाउणा है, ना किसे दूजे नू रजाउणा है। मां दी सेवा, सस दी सेवा, सहुरे दी सेवा, पिता दी सेवा इस करके नहीं करनी कि वो खुश हो जाए, इस करके करनी है कि मेरा कलगियां वाला पिता खुश हो जाए। आखियो तुहाडे घरां च झगड़े किते रह जाणगे, तुहाडे घरां च रहदा साहब आ गई, ये अभ्यास आ गया, जिन्नी मैंडा लाल रिजाया। तुहानू कोई मंदा बोलदा है, घर दे विच कोई कौड़ा बोलदा है, तुसी रिस्पोंड करना है, रिएक्ट करना है, तुसी वो करो जिहड़ा प्यारे नू पाउंदा है, ते तुहाडे घरां च झगड़े रहणगे। सिर्फ इको अभ्यास है, जिन्नी मैंडा लाल रजाया, जाए कमा लियो हर कीरत हमरी लहरा, सेनू कमा लेना कर। असी घरां दे विच, व्यवहार दे विच, जीवन दे विच शब्द गुरु नू लेके नहीं आउंदे, जगह नहीं देंदे, तां करके दुखी है। ज्यों ज्यों ये कर्म करी जाओगे ना, ते हैरान होवोगे जेड़ा आ हुण लाटरियां सोचदा है, वखावा सोचदा है, पखंड सोचदा है ना, इन्हें रहन दिन सदगाउण दे विच चले जाना। पहले पहल जदों असी संसारी सोचां च रहिंदे सी, दिनों दिन इन्हें कुछ ना कुछ मंगी जाना, मंगदे मंगदे इन्हें खिंच जाना, उदास हो जाना, अक जाना, किते ना किते हंकार बिल्ड हुंदा जाना, लोकां तो एक्सपेक्टेशंस वधदियां जानियां, जिन्नियां वधदियां जानियां उन्नी बार बार टुटणियां, बार बार दुख होना, बार बार पीड़ा होनी, बार बार नरक चलना। जदों रहन दिन सगाउण वाली बात हुई कि महाराज जी दे रंग दे विच इह दिनों दिन जिहड़ा है, जदों जदों महाराज जी दा रंग करांगे, शांति च चलिया जांदा, इह आनंद च चलिया जांदा, इह प्रेम च चलिया जांदा, इह निम्रता च चलिया जांदा, इह महानंद वल नूं तुरिया जांदा। गुरसिखां नूं जिहड़े गुरु पिता नूं नमस्कार करदे ने, इन्हां नूं साइकैट्रिक्स को जाण दी लोड़ नहीं है जे गुरु को जज ना आ जाए। तुहाडे घरां च स्ट्रेस क्यों है भाई, क्यों डिप्रेशन है, एडे डाढे गुरु दे हुंदिआं क्यों पीड़ा च आ भला सी, क्योंकि मन नहीं रहे। महाराज जी ने गुरु साहिब जी दा आप जी पुरब मना रहे हो, सच्चे पातशाह जी ने जिवें गुरमुख प्यारिया ने हुणे फरमाया है कि अपने पुत नूं ही कह दिता सी कि तू बाणी दे विच इक शब्द मिलाया है, मुसलमान की जगह ते बेईमान कह दिता है, इतिहास आप जी जाणो ते तैनू जिहड़ा है मैं तेरा, महाराज ने ये कदी बर्दाश्त नहीं किया। महाराज जी ने सब गलतियां माफ कर दित्तियां, जे किसी ने महाराज जी नूं मंदा बुरा आखिया है ते महाराज जी ने उन्हू भी माफ कर दिता, पर बाणी गुरु दे विच, शब्द गुरु दे विच, जे किसी ने रत्ता भी कोई कताई की है ते महाराज ने उन्हू कदी माफ नहीं किया।
क्यों नहीं किया कभी सोच के देखो। पंजवे पातशाह जी की शहीदी होंगी है तो पंजवे पातशाह ने भी यो ही सवाल किया कि एक रिश्ता ले लो, एक माफी मांग लियो, एक गुरु ग्रंथ साहब जी के मुहम्मद की तरीफ लिख दो। महाराज ने कहा यह नहीं हो सकता, यह तुरकी वाली है। जो असी पंजवे पातशाह जी का इतिहास शहीदी वाला दर्शन करते ना तो असी सोच लग पे महाराज जी एक शब्दी ते कहना सी सिफती ते लिखनी सी की फर्क पैंदा सी, क्यों नहीं लिख पाए, की बात ये हो जी। ते जदो समझ आई सी ते पैरा थल्लेओ जमीन निकल गई सी के साडे वास्ते नहीं लिख पाए, के सानू पूरे गुरु ना पाक गुरु ना जोड़ना चाहते सी, एक शब्द एक अखर का भी रला नहीं सी पाना चाहते। ओदे कारण करके तत्तियां तवियां ते बह गए, गर्म रेता पवा लई देगा च उबल गए, पर असी जिहड़ा ए ओ एक लग मात्र तक दा किते रला दा साडे तक ना पहुंचे। जो तुर तो आया है, जो तुर की बाणी जिवें प्रगट होई है उसे स्वरूप दे विच असी उस दे लड़ लगीए, ते तां करके अपने आप नूं देगा च उबल गए। ते जिन्नी महाराज जी ने कुर्बानी कीती मन नूं पुछ के वेखो हां मना तू उन्ना सत्कार करदा है बाणी दा। गुरु घर आके दरबार च बह के गल्लां करी जाने, इत्थे आके लड़ी जाने, दरबार दे विच भी अपने गुरु पिता नूं कदर देनी करो भाई, सत्कार देना करो, हिरदे च रखो सब तो उत्ते। उस ठाकुर नूं उच्चा रखोगे ते अगले रंग अपने आप खुलणगे, अगलियां खेडां अपने आप होणगियां। तगड़े होके ये अभ्यास कमा लैणे, तगड़े होके ये रंग कमा लैने, ये मत समझना कि ये सिर्फ एक महज ये जड़ा रवाज बना लिया सी कि कथा होनी है चार बोल बोलने चले जाना, ये सिर्फ अज वास्ते नहीं है, ये कमाउन वास्ते आप जी दे प्यारे दे हुक्म ने। असी ते बस यो कहना है कि प्यारा आप जी नूं उड़ीकदा है। कलगीधर महाराज जी नूं उड़ीकदे ने कि तू खालस रंग च आ, मैं उत्थे तेरी उड़ीक करदा। असी बस ये सुनेहा देना है आप जी, असी कोई आप जी नूं इधर उधर दी बात नहीं दसन आए, कोई विवादक बात नहीं दसन आए, सीधा सीधा सुनेहा है कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी नूं उड़ीकदे ने, उन्हां दे रंगां नूं कमाओ, कमाओगे ते अगले रंग मिलणगे। जे तुहाडे जिंदगी च दुख बचणगे ते असी जिम्मेवार होवांगे। महाराज जी ते माण करके कहने, अपने प्यारे नूं देखिया उस माण च कहने, इन्ना कभी दुख आप जी की जिंदगी च बच जाएगा कभी तां कहना। महाराज जी ने दुनिया इदां दी नहीं बनाई कि कोई दूजा आप जी नूं दुखी कर सके। तुहाडा हंकार तुहाडा खुद अपना आप दुखी कर रहा है। तुसी सोचते हो इदां क्यों होया, ओड़ा इत्थे बार बार सोचते हो वह दुख बनता है, वह टॉर्चर होता है। सतगुरु पिता की महिमा नूं रंगा नूं कमा लेना, कमा के प्यारे दे इश्क च जाना, प्यारे लिए जीवना। इस संसार ते तुसी इदां ही आए हो कि महाराज सभना रचना च जिहड़ा है उह बिखरे ने, किते पहाड़ बने ने, किते बदल बने ने, समुंदर बने ने, सोहणे रंग तितलियां ने बनाए ने, मोरां ने बनाए ने, फुल्लां ने बनाए ने, आप जी दी किते फसलां उग रहीआं ने। आ जिहड़ा तुसी एक टाइम दा प्रशादा छकदे हो ना, ते अद्धा घंटा तुहानूं रसोई च लगदा बनाउंदे आ, उत्थे सब महाराज जी दीआं दातां ने। ओह अद्धे घंटा जिहड़ा बना के तुसीं कहिंदे सवाद बणिआ नहीं बणिआ, उस अद्धे घंटे नूं बणाउण वास्ते महाराज जी नूं कई साल लगे, बीजां दे विच्चों फसलां उगाउंदिआं ते पकाउंदिआं ते बदलां दे नाल उहनां नूं भी पाणी लिआ लिआ के पालदिआं, सूरज नूं कम्म ते लाया है, चंद्रमा नूं लाया है, फिर वह जड़ा सालों के फसल उगाई है वो उग सके, उसकी बचाऊ शक्ति बनाने वास्ते कई सदियां लगियां ने महाराज जी नूं। कभी धरती ठंडिया किया, कभी गर्म किया, फिर जाके जो बचाऊ शक्ति बनी, सूरज बनिया, धरत बनिया। तुहाडी तो एक गराई है बस, आप जी दे प्यारे ने, आप जी दे प्रेम दे विच कई सदियां दे विच सब कुछ तैयार किया है। तुसी आ रंग समझा दिओ बच्चियां नूं कि पुत पानी किवें बनाया है उन्हें तेरे वास्ते, आखियो तुसी पानी की वेस्टेज कर दिओ।
जे आप जी ये खेड समझ आवो ते पवन गुरु पानी पिता वाली सारी खेड आप जी दे हिस्से आ जाए। किन्ने साल हो गए पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता, कदी महाराज जी ने पूछा महाराज जी मैं ये दर्शन नहीं करने ने। आप जी लिए बहुत कुछ एवें इस संसार से चलो कि महाराज नूरी रजावन आए हो, महाराज जी ना इश्क करन आए हो, महाराज जी दे नाल सैर करन आए हो, महाराज जी दे नाल चार पल मानन आए हो, तगड़े होके माणियो, तगड़े होके महाराज नू गावियो, तगड़े होके महाराज ना इश्क करियो। आओ प्यारे अगे कूक करिए कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह दया करियो, साडे सभना दी चोली ओ सच्ची सिखी सच्चा इश्क पायो, असी किते उत्तों उत्तों वखावे दे सिख बन के ही ना चले जाइए। हे पिता, हे रहमत दे दाते, दया करियो, दया करियो। एक ओंकार एक ओंकार एक अपने प्यारे गुरसिख बना लेना, आप जी लिए जीविए, आप जी ना इश्क करिए, आप जी तो बलहारे जाइए, सदा आप जी की महिमा अंदर रहिए। जे ही गुरसिखी अजिहा रंग साडे सभना नूं बख्शे सतगुरु पिता, दया करियो, दया करियो। आप जी तो कोट वरी बलहारे, जो आप जी ने महिमा दियां कड़ियां बख्शियां, आप जी का शुक्र, आप जी का कोट कोट धन्नवाद, जो आप जी ने बोल बख्शे तेरे रंगा नूं गा सके, स्रोत बख्शी तेरी महिमा नूं सुन सके। हे गुरु पिता, जिन्ना प्यारे अंदर वस के आप जी ने ये सेवा लाई, उन्हां ते मेहर भरिया हथ रखना, उन्हां नूं सोहनी सेवा बख्श के अपना मलाप बख्शना सतगुरु पिता। मेहरां करनियां, मेहरां करनियां कोट फुल्लां दी खिमा, गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी भी कोट फुल्लां दी खिमा करना। आओ गज के बुलाइए फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी खालसा जी, जो आप जी ने बहुत ही प्यार भेज के सतगुरां की बाणी के नाल किवें अपने जीवन जीवना है, गुरमति साझ आप जी के नाल पा रहे सन। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी संगत वालों। कल गुरद्वारा साहब 222 से भाई साहब उन्होंने हाजिरी भरी सी, फ्राइडे तो भाई साहब जी उन्हें खालसा जी ईस्ट कोस्ट के पिछले दिनों तो ही